9,02,000 किसानों के कर्ज माफी के बाद अब राज्य के 19,00,000 किसानों को केसीसी के माध्यम से बड़ी राहत देने की तैयारी कृषि विभाग कर रही है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के 19,00,000 नए किसानों का आवेदन लिया जा रहा, इस आवेदन को बैंकों को दिया जाएगा, बैंकों के लिए टारगेट सेट होगा। 19,00,000 और लोग के आवेदन जमा लेने में एक मिशन मोड में, और उस आवेदन को जमा लेके बैंकों को टारगेट देना कि आपको इनके लिए आगे आना है, इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में फाइनेंस सेक्रेटरी, इन सब पर ये लोग चीजों को मॉनिटर करेंगे। मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के सभी बैंकों से अपील कर कहा किसानों के लिए आगे आए। साथ ही मंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया और कहा बैंकों से तालमेल रखे ताकि विपत्ति के समय भी हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी रहे। कृषि विभाग की आज कार्यशाला इसको लेकर है कि 2400 जिलों में जो ये आंकड़ा है, 19,00,000 से ज़्यादा भी हो सकता है जो आंकड़ा है, बहुत आदमी हो सकता है उसमें बाहर हो, माइग्रेंट हो, रजिस्ट्रेशन नहीं करा सको, लेकिन कम से कम उतने लोगों का आवेदन लेना है और हमें ये बताना है, बैंकों को टारगेट देना है। तो इसीलिए एक मौका है राज्य के किसानों के लिए, जो सोचते हैं कि विपत्ति के समय सरकार मेरे लिए क्या कर रही है, सरकार आपके लिए अवसर ला रही है, आप इसमें आएंगे। इसको सबसे पहले सभी जिला के उपायुक्त को यहाँ से आज विभाग के स्तर पर दिशा निर्देश जाएगा और उसके बाद जिला से विभिन्न प्रखंडों में जाएगा और ये आवेदन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इस गठबंधन की सरकार ने जो सपना देखा है, उसको हम पूरी तरह से धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर चुके हैं।